नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। मेदिनी नगर पलामू से हमारे संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़, गणेश भुइयां की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। रामगढ़ के नदी पार निवासी भुइयां समाज के जननायक कहे जाने वाले समाज सेवी गणेश भुइयां की 29/9/2021 को पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर उनके आदमकद मूर्ति के अनावरण किया गया। पुण्यतिथि में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव और विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय भुइयां कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां उपस्थित हुए। मौके पर दुलाल भुइयां ने कहा कि गणेश भुइयां समाज के जननायक थे। पलामू प्रमंडल में पहली बार भुइयां समाज के लोगों को एकजुट कर भुइयां महासभा करवाए थे और अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। मौके पर भुइयां समाज के युवा नेता अभय कुमार भुइयां, चंदन कुमार भुइयां, मनोज कुमार भुइयां, महेंद्र भुइयां, अनिल भुइयां आदि लोग मौजूद थे। नहीं समझना है कि हम निम्न हैं, नीचे हैं। सबों को अपने मानवता पर गर्व करना है। शोषण मुक्ति की कोशिश करनी है। और हम यहाँ शोषण होता था, बंधुआ मजदूर बनाए जाते थे लोग, मियाँ जाति के लोग खास करके। हम आज अपने भाषण में नाम लिए महासौदा देवी जी का, स्वामी अग्निवेश का और राजनगंज के ही रामेश्वर जी, जिन्होंने मुहिम चलाया और कानून बना 1976 में, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट इंदिरा जी ने बनवाया इमरजेंसी के पीरियड। और उस समय से आज अपराध है कि कोई किसी को बंधुआ मजदूर बनाए, अपराध हो गया है। तो एक बहुत बड़ा दिन है इंदिरा जी का, इसको हमको भूलना नहीं। और